स्वागत है और समस्याओं को जानने के नुक्कड़ सभा में इस सिलसिले को फिर से बढ़ाते हैं। सर, आप नौजवान हैं, समस्याएं बहुत लोगों ने यहाँ बताई, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके इस इलाके में, इस इलाकों में कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो आप हर दिन झेल रहे हैं? हमारे गांव में जो सबसे बड़ी युवाओं के लिए दिक्कत है वो है खेल के मैदान की। खेल का मैदान हमारे युवाओं के लिए है नहीं। हमारे क्षेत्र के युवा पीछे होते जा रहे हैं। सब में प्रतिभा है लेकिन वो अपनी प्रतिभा को दिखाई नहीं पा रहे हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। कोई प्लेग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, कुछ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि युवा आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन खेल का मैदान ही नहीं है। सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपको लगता है कि एक मैदान होना चाहिए, आपकी जो प्रतिभा है वहाँ निखरनी चाहिए? जी हाँ सर, ये तो बहुत जरूरी है सर युवाओं के लिए आजकल, कि हमारे यहाँ पे एक मैदान होना चाहिए। काफ़ी प्रतिभागी बच्चे हैं यहाँ पे, अच्छे बच्चे हैं और उनके लिए मैदान जरूर होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन बड़े देहरादून में तो ऑर्गेनाइज होते हैं इस तरह के क्रिकेट मैच, हालांकि अभी भी हुए थे, क्या इस तरह के यहाँ नहीं करता कोई ऑर्गेनाइज? सर कहाँ से हो पाएंगे सर, जब मैदान ही नहीं है सर, तो कहाँ से हो पाएंगे? मैदान नहीं है, नौजवानों का कहना है कि मैदान नहीं है। सर, आपके पास फिर से हम आने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से बताया कि खेलने के लिए यहाँ मैदान नहीं है, तो आपको लगता है, आपने गुहार लगाई है सरकार से, शासन से, प्रशासन से, कि एक मैदान तो कम से कम नौजवानों को उपलब्ध? ये तो कई बार बता चुके हैं कि यहाँ मैदान नहीं है। सभी आश्वासन देते हैं कि हम खेल का मैदान बनाएंगे, लेकिन आज दिन तक बनाया नहीं। दूसरा, शासन अगर कुछ चाहे, जैसे इंटर कॉलेज है यहाँ पर, वहाँ पर अगर प्रिंसिपल चाहे तो प्रतिष्ठा रख सकता है, कंपटीशन रख सकता है बच्चों के, लेकिन बच्चों का कंट्रोल ही नहीं है यहाँ पर। सारे बच्चे घूमते रहते हैं, कोई ये नहीं है कि कितने बच्चे इस क्लास में सवेरे आए थे और कितने बच्चे अभी दो घंटे के बाद वहाँ हैं या नहीं है, कहाँ घूम रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। शासन का नियंत्रण बिल्कुल है नहीं, कभी शिक्षा मंत्री आते नहीं है, कभी ना उनके डीआईएस उनको चेक करते हैं, तो शासन की तरफ से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। शासन किसी को सुख नहीं है, शासन प्रशासन पूरी तरह से सो रहा है। आपसे जानेंगे, बाबूजी ने बताया कि किसी को सुध नहीं है, आपको लगता है कि कोई आपकी समस्या जानने के लिए यहाँ नहीं आता? ना, अभी तक तो कोई आया नहीं, प्रशासन का भी कोई आदमी नहीं आया। और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ ट्रांसपोर्ट की है। यहाँ जितने भी डाक उत्तर यूनियन की जो बसें हैं, खचाखच भरी हुई है। यहाँ से कोई भी, आज तक तो मैं इतने साल हो गया, 20 साल, हमेशा मैं खड़े हो गया बस में, मतलब इतना भीड़ रहता है, खचाखच भरा। कोई वृद्ध आदमी है कैसे जाएगा? नंबर दो, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए इधर। नंबर तीसरी समस्या जो है, रोड बिल्कुल खस्ता हाल में, नालियों का जो है ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, मगर घर का पानी रोड में, फिर रोड में ऐसे दंगा फसाद। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए शासन को। और बाकी तो क्या डॉक्टर मिलते हैं, कोई हॉस्पिटल है यहाँ आप लोगों की? हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर है ही नहीं उसमें, एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है और एक संविदा पे है डॉक्टर, वो भी कभी कभी, लेकिन बहुत ही मेडिकल की फैसिलिटीज भी ढंग के नहीं। आबादी 50,000 की है, छोटा सा एक हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट वहाँ मरीजों को चेक करते हैं। ऐसे बहुत से हादसे हुए होंगे, फार्मासिस्ट ने दवाई दी और मरीज और बीमार हो गया। जी हॉस्पिटल तो जगह तो है यहाँ पर, परंतु व्यवस्था नहीं है कुछ, ना कोई डॉक्टर है कोई अच्छा सा, ना कोई, वो जो थे भी पहले तो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जो पहले काफ़ी पहले रह चुके हैं, अब सुनसान पड़े रहते हैं डिस्पेंसरी। डॉक्टर यहाँ नहीं है, शिक्षक यहाँ नहीं है, 50,000 की आबादी है, क्या लगता है कि बिल्कुल सरकार ने आंखें बंद कर ली? मेरे हिसाब से तो शायद आंखें बंद कर रखी, क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, जो एक होना चाहिए ना वो नहीं है। स्थानीय जो व्यापार है उसकी अगर बात करते हैं तो अच्छे स्तर पर चलता है या नहीं? व्यापार भी क्या चलेगा उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा व्यापार। व्यापारी भी आज के टाइम में मेरे हिसाब से सब परेशान है, कोई किसी चीज़ को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके। आप भी बताइए कि आपके सिलाकोई में कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें जो आपको हर दिन उन्हें झेलना? नहीं, वही है सब, डॉक्टर वगैरह की, अच्छे डॉक्टर नहीं है। हाँ जी, हॉस्पिटल है? नहीं, हॉस्पिटल भी इतना खास नहीं है, यहाँ पे देहरादून जाना पड़ेगा अगर किसी को कोई भी दिक्कत, मतलब अगर कोई बीमार हो जाए तो आपको देहरादून जाना पड़ेगा। बाकी तो आपके जो नेता है, अधिकारी हैं, आपने शिकायत की है कि डॉक्टर नहीं आते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसको देहरादून जाना पड़ता है। सर, आपसे एक बार फिर बात करेंगे, शिकायत बहुत है लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि राज्य सरकार ने आंखें बंद की हैं, शासन प्रशासन सो रहा है। हालांकि आप मुझे यहाँ बताया कि आप कांग्रेस में हैं और कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व करते हैं समुदाय का, तो क्या लगता है आपको कि आप ही की सरकार है राज्य में और फिर भी समस्याओं का हल नहीं हो रहा?
देखिए इन समस्याएं तो हैं, जितनी समस्याएं सभी लोगों ने यहाँ बताई हैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने, ये सारी समस्याएं हैं, रोड की हो, बिजली की हो, पानी की हो, या सेलाकुई के नाले की हो। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ सबसे पहले क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड मेंबर हो या ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत सदस्य हो, सबसे पहले उनको इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो सहसपुर के क्षेत्र से यहाँ के जनप्रतिनिधि के तौर पे विधायक हैं सहदेव सिंह मुंडी, फिर उनको इसके लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। सारी समस्याएं दूर हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं रही। मैंने सारा अभी आप ही के इस कार्यक्रम के माध्यम से 10 जनप्रतिनिधियों की बातें जो देखी हैं, सुनी है, समस्या हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इन सारी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री के पास जल्द ही रख के और इनका निस्तारण करने की पुरजोर कोशिश करूँगा। बिल्कुल, देखिए इसको असर भी कह सकते हैं कि शिन न्यूज़ की खबर का असर यहीं के यहीं हुआ है। वादा कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं राज्य सरकार के सामने रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबको मिलकर के चलना होगा। जी ये तो नॉर्मल हो गया अब यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे ठेका है शराब का ठेका, यहाँ से हटाया जाए, कहीं आउटसाइड हो, कॉलेज के पास ही जाए। एक तो कॉलेज के टच में और काफ़ी मतलब पब्लिक पहले से रहती है, पब्लिक रहती है वहाँ पे, तो उससे कई दुर्घटनाएं होती हैं। लोग वहीं पर ड्रिंक करते हैं, फिर गाड़ी ड्राइव करके निकलते हैं, तो उससे काफ़ी दुर्घटना होने का संभावना रहती है। और वहाँ पे आबादी क्षेत्र है जमनपुर, जो वहाँ पे शराब पी के लोग ड्रामा करते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये शराब का ठेका वहाँ से हटाया जाए। ये कह रहे हैं कि शराब का ठेका हटाया जाना चाहिए, आपको लगता है कि शराब की वजह से युवा गिरफ्त में आ रहे हैं नशे की? हाँ जी बिल्कुल, ये शराब की वजह से बिल्कुल युवा ख़राब हो रहे हैं। युवा शराब पीते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं तेज, इससे दुर्घटनाएँ हो रही हैं, काफ़ी जो हैं लोग मारे भी गए हैं सड़क पर दारू पीने के बाद, काफ़ी समस्याएँ हैं। और कई तरह का ड्राई नशा भी चल रहा है, यहाँ पुलिस पकड़ रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा गड़बड़े हो रही हैं, नशे का कारोबार चल रहा है यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा दिखाई भी दे रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग, उसके बावजूद भी लेकिन यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, जो नशे को पनाह दे रहे हैं लोग यहाँ पर, ऐसा भी है। अच्छा, जैसे एक्सीडेंट की बात करते हैं, बिल्कुल मेन रोड है सिलागुई के बीच से निकल के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कोई बात पुलिस करती है कि हेलमेट लगाएं, या फिर रोड बहुत छोटा है तो कहीं ना कहीं देख के गाड़ी चलाएं? हाँ जी हाँ जी, ऐसा है, चलान काटती है पुलिस, जो जैसे तीन बैठ के जा रहे हैं, कुछ जो जा रहा है, पुलिस अपना काम पूरा कर रही है। लेकिन यह है कि जो शराब है उससे युवा काफ़ी परेशान है, अगर जैसे सड़क पर ही ठेका है, अपना पी खाई वहीं पर पिया, झगड़ा वगड़ा किया, एक्सीडेंट हो गया, ये समस्याएं। अच्छा, एजुकेशन हब है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हैं, नाम है, बहुत दूर दूर के बच्चे पढ़ते हैं, स्थानीय लोगों के लिए कोई सुविधा ये कॉलेज देते हैं, कोई छूट देते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा श्री न्यूज़ का, कि सैलाकुई की समस्या को आपने उद्गार किया। इस क्षेत्र में सबसे पहले एक तो अतिक्रमण भी काफ़ी हाई हो चुका है, और जिससे कि जाम की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, और बाकी तो समस्या आप परिचित हो ही चुके हैं, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पुलिस की तरह से चलाया जाता है, सत्यापन अभियान कई बार चलाया गया है, पुलिस तो अपना काम सही कर रही है, जनता भी, पर जो ये बाहर का है इसका जो है सिस्टम, सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए, कि इतनी आबादी है, इसके बारे में क्या किया जाए, क्या किया जाना चाहिए, ये बहुत जल्द, नहीं तो ये गंभीर समस्या विकराल रूप ले लेगी। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी लोगों की, आप भी अपनी बात रख सकते हैं कि आपके इस इलाके में कौन सी दिक्कत? सबसे पहले तो शराब के ठेके हैं, जो यदि ये हट जाएंगे तो आधी गंदगी सिलाकुई की हट जाएगी। दूसरा क्या, एक्सीडेंट मामले कम हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल के बच्चे हमने खुद देखा है कि जो ढाबे लगे हैं ये, इन पर प्रतिबंध होना चाहिए, जो भी ढाबे हैं, जितने भी ढाबे हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिए, कि वो दारू न पिलाएं अपने उसके अंदर, ये ठेके से लेते हैं, घर जाके अपना दारू पिए, और इससे गुंडागर्दी भी कम हो सकती है। गुंडागर्दी बहुत बढ़ रही है, ढाबों पर भी शराब बिकती है, शराब के ठेके खुलेआम है, युवा गिरफ्त में आ रहे हैं। ये तो अधिकांश, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्री के लोग हैं, ठेके खुले रहते हैं, वो लेकर के ढाबों में बैठ जाते हैं, पुलिस महकमा यहाँ पर कम है, इलाका उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी वो अपनी चौकसी बरते हुए हैं, लेकिन कहाँ तक देखेंगे वो, एक चौकी होने के नाते कहाँ कहाँ तक, किस किस ढाबे में छापा मारेंगे और कब कब मारेंगे, वो तो लगे हुए हैं। अगर ढाबों को यहाँ से वो क्या नाम बोलते हैं, ढाबों से प्रतिबंध लगा दिया जाए, या यहाँ पर थाना स्थापित किया जाए, और ठेके को कहीं दूर सड़क के नज़दीक से कहीं बाहर कर दिया जाए, तो इसमें काफ़ी हद तक नशा रुक सकता है। ढाबों पर खुलेआम नशा बिकता है। सर, आप प्रधान भी रहे हैं यहाँ के, और जैसा आपने कहा कि 50,000 की आबादी है, लेकिन अंबार लगा हुआ है यहाँ दिक्कतों का,
तो क्या इसके ऊपर कोई जानने के लिए आपके पास आता है कि भाई कोई समस्या हम हल कर देंगे? हालांकि चुनाव के दौरान तो नेता खूब पहुंचते हैं, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक आया? अधिकारी तो हमारे विधायक हैं, एक्टिव हैं, आते हैं जन समस्या। कोई अधिकारी शासन? अधिकारी कोई नहीं आता, शासन से कोई नहीं, निष्क्रिय शासन से कोई नहीं आया। जैसा भी बताया कि युवा शराब पी रहे हैं खुलेआम, नशा कर रहे हैं खुलेआम। देखो जब ठेका है तो सरकार का राजस्व मिल रहा उससे, लेकिन वो विद्यालय कॉलेज के पास है ये गलत है, और वो आबादी दूर जाना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। बिल्कुल, कॉलेज के पास ही ठेका खुला हुआ है और जो स्कूल के छात्र हैं वो शराब पी करके नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। सर थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी एक आपकी ज़्यादा बनती है। युवा तो कह रहे हैं कि ना तो स्टेडियम है यहाँ खेलने के लिए, ना कोई ऐसा ग्राउंड है यहाँ खेलने के लिए, एक्सीडेंट रोज होते हैं, नशे का कारोबार पूरा चल रहा है। तो बच्चों को आप अपने घर में समझाते हैं कि नशा बहुत बुरी चीज़ है? हाँ जी समझाते हैं जी, हमारे बच्चे तो खैर कोई करते नहीं जी नशा, पर सभी बच्चे अपने हैं तो हमने काफ़ी ये है कि नशे ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर युवा नशा करेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य भारत का खराब होगा। हाँ जी, और जो हमने खेल के ग्राउंड के लिए कह रहे हैं आप, हमने बहुत समस्या रखी, पहले निशंक सरकार थी जाओ लिख के भी दे रखा और जगह भी दी थी, ये नदी के किनारे पे पुल के नीचे वहाँ पे जगह भी थी, तो ये सरकार ने कोई इसका कागज जो आगे अलग रख दिया बस, मतलब पूर्व की सरकार को लिख के दिया। हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे आज हम पहुँचे थे सिलाकोई। सिलाकोई बेहद मशहूर इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एजुकेशन हब माना जाता है, लेकिन अगर समस्याओं की बात करते हैं तो समस्याओं का यहाँ अंबार लगा है। बहरहाल मुझे और मेरे सहयोगी तपेश खान को दीजिए इजाजत, अगली नुक्कड़ सभा में एक बार फिर से होगी मुलाकात। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ गांव शपादली, श्री न्यूज देहरादून।